उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में औद्योगिक नगरी कानपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। कानपुर में अब तक करीब 20,491 करोड़ के निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल किए गए हैं। औद्योगिक ढांचा और विकसित होने से उछाल के साथ अर्थव्यवस्था को संजीवनी भी मिलेगी। शहर के उद्यमियों में इसे लेकर गजब का उत्साह भी है। इसके साथ ही तमाम औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए सीए भी इसकी सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब साल भर पहले इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक ढांचे की बेहतरी का खाका खींचा गया था। इसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से कानपुर की लगभग 243 नई यूनिटें अस्तित्व में आएंगी। इस्पात, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य, औषधि समेत कई क्षेत्र की इकाइयों ने इसमें निवेश किया है। रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर में 5,850 करोड़ का निवेश किया गया है। सेरेमनी में 17 विभागों ने 200 प्रस्ताव दिए हैं। सबसे ज्यादा MSME और निर्यात प्रोत्साहन की ओर से 96 प्रस्ताव हैं। उद्यान विभाग की ओर से 30, आवास विभाग से 14, UPSIDA की ओर से 11, वस्त्र और हथकरघा के 12, पर्यटन विभाग के 8, चिकित्सा शिक्षा के 6 प्रस्ताव हैं। शहर के बड़े उद्यमी अतुल सेठ ने सरकार के इस कार्य की सराहना की है और उनका कहना है कि ये कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जब उद्योग स्थापित होते हैं तो विकास खुद ब खुद होता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से रोजगार बढ़ेगा और शहर की उन्नति भी होगी। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में उन्होंने और कुछ क्या कहा। निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 होने जा रही है, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके ये सामूहिक प्रयास से ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे प्रदेश और देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, क्योंकि रोजगार जो उद्योग है वही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे उद्योग होगा तो व्यापार होगा और उद्योग व्यापार होगा तभी रोजगार होगा। उस रोजगार की इस वर्तमान इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तमाम औद्योगिक घरानों के सीए भी सरकार के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने से कानपुर में विकास होगा, ये बात तो 100% तय है। इसके साथ ही सुविधाएं बढ़ने से शहर का स्तर भी और ऊंचा उठेगा। 20,000 करोड़ के निवेश से शहर का औद्योगिक स्तर और मजबूत होगा। बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आइए सुनते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट डीएस सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। देखिए, 19 फरवरी से और 21 फरवरी तक जो 3 दिन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है लखनऊ में, उसमें करीब करीब 10 लाख करोड़ के जो नए इंडस्ट्री लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर उसके बारे में चालू करने का प्रयास है और उसमें करीब करीब 33-34 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने की आशा है। रोजगार प्रत्यक्ष रूप से भी मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। केंद्र सरकार के निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें इन्वेस्ट यूपी ने बहुत प्रयास करके नई नई यूनिट्स लगवाई हैं और डिफेंस कॉरिडोर का जिस प्रकार से काम चल रहा है तेजी से, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को और रोजगार मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के इस कार्य की हर तरफ सराहना हो रही है। तमाम नई इकाइयां भी इस सेरेमनी के बाद सामने उभर कर आएंगी। आप भी सरकार की नीतियों का लाभ उठाकर बड़े उद्यमी बन सकते हैं। इसके लिए सरकार के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है इसी का गणित। 5,850 करोड़ का निवेश रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर में हुआ। 20,491 करोड़ का अलग अलग कर रही है निवेश। 243 यूनिटों के शुरू होने का रास्ता होगा साफ तो बदलेगी देश की तस्वीर।
3 लाख से अधिक युवाओं के सामने होंगे रोजगार के अवसर। 17 विभागों की ओर से सेरेमनी में दिए गए 200 प्रस्ताव। 45 औद्योगिक इकाइयां देंगी 100 से अधिक रोजगार के अवसर। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।